नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस साल कोरोना महामारी के दौरान अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च शनिवार को करने वाला है। ये लॉन्च दोपहर करीब 3 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होने वाला है। इस लॉन्च में PSLV C49 रॉकेट अपने साथ EOSO-1 के रूप में प्राइमरी सैटेलाइट और 9 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट ले जाएगा। वैसे तो इसे लॉन्च करने का टाइम दोपहर 3:02 रखा गया है, लेकिन मौसम अगर गड़बड़ हुआ तो इसरो ने अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस लॉन्च के साथ इसरो 328 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहेगा। इसके साथ जाने वाले 9 कमर्शियल सैटेलाइट विदेशी हैं। इसके अलावा ये इसरो का 91वां मिशन होगा। इस लॉन्च में प्राइमरी सैटेलाइट EOSO-1 एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। या कोई भी मौसम हो, ये हर समय कारगर साबित होगा। इससे मिलिट्री सर्विलेंस में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही खेती वानिका, मिट्टी की नमी मापने, भूगर्भ शास्त्र और तटों की निगरानी में भी ये सहायक साबित होगा। इसरो अपने इस लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी करेगा। कोरोना की वजह से मार्च से ही इसरो की लगभग सभी गतिविधियां रुक सी गई थी, लेकिन अब इसरो दिसंबर में होने वाले अपने बहुप्रतीक्षित नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। कोरोना की बंदिशों के पहले जनवरी 2020 को इसरो ने PSLV C48 लॉन्च किया था, जो RESAT-2BR1 लेकर स्पेस में गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।